27 जनवरी सुंदरबनी के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन, और ये दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पे 1008 स्वामी श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी का जन्मदिन होता है। हर साल की तरह इस साल भी जो स्वामी जी का जन्मदिन है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और ये जन्मदिन की पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है, और आज स्वामी जी का 65वां जन्मदिन है, जिसके चलते आज सुंदरबनी में आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और यहाँ आके स्वामी जी को अपनी शुभकामनाएं भी देते हैं और उसके साथ साथ स्वामी जी का आशीर्वाद भी पाते हैं। पार्टीज फॉर बिजनेस मीटिंग टुमारो। यस सर। सरोज, आर यू रेडी विद? यस, बिल्कुल। तो जन्मदिन आदि हम लोग को मनाने की तो कोई लौकिक इस प्रकार की खुशी होती नहीं है, लेकिन ये है कि इस प्रकार के जन्मदिन आदि के आयोजनों को लेकर एक पूरे देश को संदेश जाता है। किसका संदेश जाता है? आपने देखा कि डिफरेंट जो है ऐसी कल्चरल प्रोग्राम बना करके जो कि सुनने से नहीं समझ सकते हैं वो तो प्रैक्टिकली देख करके इस प्रकार के प्रोग्राम बहुत जल्दी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। तो हर प्रकार का मैसेज इसमें दिया गया जो आधुनिक समय में आवश्यकता है, और उसके साथ साथ में आए हुए जैसे MP साहब थे, रैना साहब थे, और भी विभोज जी थे, दूसरे जो है अधिकारी भी थे, उन्होंने भी एक मैसेज करके सबको कि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है इस समय के अनुसार कि नशे से मुक्ति, क्योंकि हमारा देश इस समय नशे के कारण अपना धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी प्रथा, अपना देश इन सब को भूल रहा है। कि ज्ञान के माध्यम से भी सारे देश के अंदर हमारे गुरुजी ने मतलब कि एक दो नहीं लाखों व्यक्तियों को नशा से मुक्त किया था, और जो नशा से मुक्त होते रहे वो बड़े अच्छे एक नए जीवन में आ गए। इसलिए हमारा भी प्रयास रहता है ऐसे आयोजनों को करके भी कि यही संदेश दिया जाता है, सबसे पहले जो पूरे देश को ही गिराने की चीज़ है, अपने धर्म को, सभ्यता को ख़त्म करने की चीज़ है, नशे से मुक्ति करें, और साथ में हमें देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने सोसाइटी के लिए मतलब थोड़ा अग्रसर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ज्ञान ही कोशिश करनी चाहिए, सत्संग सुनो, सत्संग से सारी जितनी भी गंदगियाँ, जितनी भी अशक्तियाँ सब निवृत्त हो जाती हैं, और जवानों को थोड़ा दया करने का स्वभाव बनाना चाहिए। एक इंसान के अंदर अगर दया थोड़ा सी भी आ जाती है ना, तो दया से वो व्यक्ति ऊपर पर ब्रह्म तक चला जाता है। इसीलिए दया को जीवन के अंदर चाहे छोटे हो, जवान हो, बड़े हो, अवश्य ही लाना चाहिए। वो दूर से आते हैं, मेरा तो सबसे अच्छी चीज़ जो है मेरी तो प्रिय लगती है कि एक तो सेवा समाज की करो, साधु संतों की करो, ज्ञानवानों की करो, जिससे तुमको जो है सारे विघ्न ही दूर हो जाएंगे, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ फिर आपको बताया है दया, दया करो जीव पर, वो जीव तुम पर कृपा करे, जीवन सफल हो जाए। सो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सुंदरबनी स्वामी जी महाराज जी के आश्रम से, जहाँ पे तमाम जो लोग थे उन्होंने आज स्वामी जी को शुभकामनाएं भी दी और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सो JK मीडिया की तमाम टीम की तरफ से मैं अंकुश शर्मा स्वामी जी महाराज जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।